स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं खबरों की तरफ। एग्जिट पोल सामने आ गए हैं, कांग्रेस नेता काफी गदगद हैं। आइए आपको दिखाते हैं कांग्रेस के कुछ नेता क्या कह रहे हैं। भारी बहुमत से जीते वो लोग चुनाव, पिछले चुनाव में, और 5 साल में कभी भी जनता से कोई मिलने का प्रोग्राम रखा ही नहीं उन्होंने, जन सुनवाई नहीं करी। सैकड़ों जगह होती मिलने के लोगों के, एक बार भी वहाँ रुकी नहीं वहाँ पर, और सब स्कीम बंद कर दी हमारी। और तो और बड़ी बड़ी परियोजनाएं थी, मेट्रो की थी, रिफाइनरी की थी, डैम की थी, जिला मुख्यालय जोड़ने की थी रेलों से, समझ के परे कोच फैक्ट्री थी भीलवाड़ा की। तो ये सब काम बंद क्यों किए किसी को पता नहीं। तो जनता में व्यक्तिगत रूप से बहुत भयंकर आक्रोश के प्रति, वो भी एक कारण रहा। देखिए, स्पष्ट तौर पर पांचों ही स्टेट्स में कांग्रेस की बढ़त है। वोट प्रतिशत बीजेपी का बहुत भारी हद तक गिरा है। हमारा ये मानना है कि 11 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो चौंकाने वाले नतीजे होंगे। सभी प्रांतों में कांग्रेस पार्टी जीतेगी और बीजेपी हारेगी। देखिए, हमारे यहाँ तो पूरी उम्मीद है कि पांचों राज्यों के अंदर हमारी सरकार बनेगी। तेलंगाना के बारे में शुरू में कुछ डाउट्स थे, लेकिन जो आपने देखा कि आखिरी 15 दिन एक महीने के अंदर जिस तरह से वहाँ पर कैंपेन जो है पलटा है, और जिस तरह